बहुत बात अले जो प्रधानमंत्री जी बदला घोरी छे एत से ओतः से अयोध्या पर उनका आक्रमण तो बाद में हेते उनका आक्रमण छे जनकपुर धाम पर उनका आक्रमण छे मिथिला धाम पर क्योंकि जै जगह के वो नाम कह रहे थे थोड़ी तो नदी कौस की गंडकी गंगा गिरी हिम्बांग शुद्ध देश मिथिलापुरी चारों वेद प्रमाण और तो मिथिला छे आय कह अनुसंधान है तो बहुत विशेषज्ञ सब कल फरवा फौला प्रमाण भेटले लवकुश के प्रमाण भेटले श्री राम जी के प्रमाण भेटले यदि तोरा अयोध्या पता लगा के तो कम से कम मिथिला के क्षेत्र तो छुटिया दे पहले जखन कोसी गंडक गंगा और हिमालय मिथिला में छे तो वो थोड़ी ने अयोध्या तोरा बाप बना दे तो कैसे बना दे जमीन दूगो घर के बला के बीच में झगड़ा होते तो पहले हमर नक्शा में जैसे से तो छुटिया दे की तो तोरा कह पड़ो जो मिथिला नहीं छे अयोध्या पर तो बाद में अखन के अयोध्या नकली छे सकली छे हम सब मान ले सकली छे तो सकली छे केकरो काला से नहीं रहती लेकिन की हो तो ई कह रहल छे की मिथिला नकली छे वो तो ई कह रहल छे मिथिला के जो क्षेत्र छे वही पर आक्रमण भ रहल छे वही पर आक्रमण भ रहल छे कोई के कह रहल छे नहीं हिंदुस्तान पर आक्रमण भ रहल छे बिल्कुल गलत ओकर ई मिथिला के क्षेत्र पहले छुटियाबक चाहिए वो अल्प ज्ञान कोने पौरल छे उनका सा ये पूछल जाए पत्रकार महोदय सब समाग्रह कर देखे उनका अंदर वार्ता आवे छे तो ये कह दू की यहाँ अयोध्या के पता लगे कि पहले मिथिला पता लगे अपना बाप के बाप नहीं कहे आ ससुर के जो डैडी कहे से नहीं करू सबसे पहले हमें मिथिला छुटिया दिया हमारे मिथिला के क्षेत्र में आने कह सके छे राम और किशोरी जी के संबंध में बहुत जगह यहाँ मिथिला में होते बहुत जगह आये छथिन कंचन और वाल्मीकि आश्रम एक ठाम से देवकूप वाल्मीकि आश्रम बहुत जगह छे वाल्मीकि जी अत्रि जी गौतम जी सब सप्तऋषि आश्रम स्वतःखंड में तपस्या करे छे देखी राम जी वही में जत जत वो सब गेल थी दोसर बात छोड़ दियो हमारे परम पूज्य महाराज श्री श्री 108 श्री राम दुलारी शरण जी महाराज अयोध्या में आश्रम बनल यहाँ आश्रम बनल हमारा महाराज जी के अयोध्या के भागल अरे आश्रम तो भा सक साधु संत जहाँ गेली तहिया आश्रम है ओठाम से फिर कमल डाल के चल दिलिये तो विश्वामित्र आश्रम छे वाल्मीकि आश्रम छे यही ठाम हेतु भेदकूपियों के सीमा हो भेदकूप से वही भेदकूपी के सीमा के पार कर देने एक कम से कम कहल जाए छे एक सबके लिए और जे आई बात के अखन तो हमरा सबसे बेसी शर्म के बात तो ये बुझाइया वो तो ओकर जे चेलवा सब जे थे भगत सब ओली जी के से नारा लग पूछ ओली जिंदाबाद ओली सरकार कायम रहे बताओ ये कोनो बात है हैं शर्म के बात ओतक छे कि अपना माई के यहाँ नहीं चीनी छे जै धरती पर आ जन्म लेल छी मिथिला में आ जनकपुर धाम में वही पर आक्रमण भ रहल छे त अहाँ वो बात माने के लिए तैयार नहीं छे और केपी ओली के गुणगान करे छी यही से नमहर पतित होना किछ नहीं भ सकैया और ओहन व्यक्ति के लेल कहल जाय छे भविष्य के दरवाजा तो नहीं खुलत एहन समय में जे केपी ओली के गुलामी करब तकर भविष्य के दरवाजा तो नहीं खुलत वर्तमान आदर और सम्मान अहाँ के नहीं करत आदर और सम्मान नहीं करत और रह गए संख्या के विधायक होते कम और बेसी कहल जाय छे बाबा जी जो है बड़ा देर से जगे छे शास्त्र पुराण तो रखने करे छे लेकिन शास्त्र में शास्त्र लिखाए छे वही में से अग्निका डंडा निकाल के जखन झंडा बनावे छे तो शस्त्र बने छे वही शास्त्र में के अग्निका डंडा तो नाश लगा रहे छे वो निकाल जखन ले छे ठंडा बने छे तो शस्त्र बने छे तैसा ऐ सरकार के चढ़ाई के चाहिए रह गए अयोध्या और मिथिला हमारा सबके लिए अलग है ने हमारा सबके लिए तो हम सब पूजा करे छे अयोध्या और मिथिला के गिरा रथ जब बीच समाप्त है तो भिन्न भिन्न हमारा सबके अयोध्या और मिथिला वह न्याय है जिन्हें पानी के अहा अलग नहीं कर सके छी पानी में यदि लाठी लगे मारवाए तो अलग नहीं हेतु कहना केकरो दादा के काला से केकरो बाप के काला से अयोध्या और मिथिला अलग नहीं होते नेपाल और
चिचिया के चिचिया लिया। और सरकार के लिए हम बैठ गए। एक बड़ा बढ़िया कविता है डॉक्टर कुमार विश्वास के, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो। अभी आके चाइना सहयोग करे थे, पाकिस्तान सहयोग करे थे, तो बुझा थे हम कनिक पहलवान भगे। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो, ये संबंधों की तुरपाई है, ये मिथिला और अवध ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो, षड्यंत्र मत करो, ये किसी का षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। अवध और मिथिला का संबंध जो है वो कायम रहेगा। और उन बुद्धिजीवियों से, वो बुद्धिजीवी सबसे कहा चाहे थे कि बंधु अहा जे कहे छी बहुत ही हम अनुसंधान कैली, हम बहुत इतने बड़ी हमारा लाई गेल, इतने बड़ी लाई गेल तो अहा ठीक कैली, पहले मिथिला के विषय में नहीं सोचली। ताहि दुआरे हम फिर से विनम्र अनुरोध करबे हमारा सबक सम्माननीय प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जी से, अहा अपन अभिव्यक्ति फिरता ल लिया, अहा क्षमा मंगित अपन अभिव्यक्ति फिरता ल लिया। धन्यवाद। जय नेपाल।